और मेरा ये मानना है कि आज हर जनपद में हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र है, हर एक प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य शासन के स्तर पर संचालित है। आज इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, नए इसमें रिसर्च प्रारंभ हुए हैं, इन पर हम अगर कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी इस देश की कुल कृषि की योग्य 11% भूमि में हम अभी 3 गुना और अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के अंदर रखते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कृषि के नए स्टार्टअप स्थापित करने की दिशा में कार्य करना होगा और यह कार्य यहां पर बैठे हुए आप सभी महानुभावों को अपने अपने केंद्रों को उसका केंद्र विश्वविद्यालयों को उसका केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा, उसका एक सेंटर बनाना पड़ेगा। इस संभावना है यूपी के अंदर स्टार्टअप आईटी और आईटीएमएस के फील्ड में नहीं हो सकता है, एमएसएमई का इतना बड़ा बेस यूपी के पास है, नंबर 2 एमएसएमई दम तोड़ रहा था, शासन के स्तर पर थोड़े बहुत फैसिलिटेट उनको करना था, थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन की व्यवस्था के लिए करनी थी, इंस्पेक्टर राज को नियंत्रित करना था। आज परिणाम हमारे सामने है, जिस प्रदेश में एमएसएमई दम तोड़ रहा था हमने 1 district 1 product के रूप में उसे प्रमोट किया, उसकी ब्रांडिंग की, उसके लिए मार्केट दी, उसको नई डिजाइन दी, नई तकनीक दी। जो लोग पहले केरोसिन और डीजल से अपने यहां संचालित करते थे उनको हमने पीएनजी की सुविधा और बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज परिणाम क्या है, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट दुगने से ज्यादा हुआ है और आज 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट अकेले एमएसएमई यूपी के अंदर कर रहा है। इसमें भी नए स्टार्टअप स्थापित करने की ढेर सारी समान 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है और अलग अलग जगह की अलग अलग संभावना है, इसमें हम ढेर सारा कार्य कर सकते हैं। यूपी के पास स्किल और अनस्किल मैन पावर है, देश के अंदर अगर भारत दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी सबसे युवा राज्य है, सबसे अधिक यूथ हमारे पास है, इस यूथ में अनंत संभावनाएं छिपी हुई है, उनकी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना। इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ क्यों नहीं प्रारंभ से ही एमओयू कर देता है, क्यों नहीं ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर